नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पेंटाप्रोजोल और डोम्पोरिडोम कैप्सूल के बारे में। दोस्तों, पेंटाप्रोजोल और डोम्पोरिडोम कैप्सूल को डॉक्टर के द्वारा कौन कौन सी बीमारी में दिया जाता है, इसके इस्तेमाल करने का क्या सही तरीका है और कितनी मात्रा में पेंटाप्रोजोल और डोम्पोरिडोम कैप्सूल को डॉक्टर के द्वारा इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है और इसके इस्तेमाल करने से कौन कौन से साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, पेंटाप्रोजोल और डोम्पोरिडोम कैप्सूल की बात करें तो ये पेंसा TSR नाम से आता है। दोस्तों, ये अलग अलग कंपनी का अलग अलग ब्रांड के नाम से आता है, आप किसी भी ब्रांड का खरीद सकते हैं। उसके अंदर पेंटाप्रोजोल 40 mg और डोम्पोरिडोम 30 mg। दोस्तों, ये पेंसा TSR एक जेनेरिक मेडिसिन है और 100 rupees की इस पर MRP होती है। यदि आप इसको किसी भी मेडिकल स्टोर या केमिस्ट से परचेस करते हैं तो आपको ये 40-50% डिस्काउंट करके मिल जाएगा। दोस्तों, आप किसी भी अदर ब्रांड का खरीद सकते हैं। दोस्तों, इस कैप्सूल को डॉक्टर के द्वारा मेनली जो इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है, दोस्तों यदि किसी के सीने में जलन की समस्या है या एसिडिटी की समस्या रहती है, यदि आपको बदहजमी की समस्या रहती है, यदि आपके पेप्टिक अल्सर डिसीज़ है, आपके पेट में छाले आ जाते हैं, तो दोस्तों उसमें बहुत अच्छा काम करता है ये पेप्टिक अल्सर में। उसके साथ साथ जिसके स्टमक में एसिड की मात्रा बढ़ जाती है तो उसको कम करने के लिए भी डॉक्टर के द्वारा इसको प्रिस्क्राइब किया जाता है। यदि आपके पेट दर्द की समस्या रहती है, आपके एसिडिटी के कारण आपके पेट में दर्द की समस्या रहती है, तो उसको दूर करने के लिए भी दिया जाता है। दोस्तों, उसके साथ साथ यदि आप जो भी खाना खाते हैं वो ठीक तरीके से आपके उसका डाइजेशन नहीं हो पाता है, तो ऐसी कंडीशन में भी आपके बहुत अच्छा काम करता है ये। दोस्तों, इसको डॉक्टर के द्वारा एक एडल्ट व्यक्ति को एक रोज का एक कैप्सूल इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है। दोस्तों, इसका बेस्ट रिजल्ट पाने के लिए डॉक्टर के द्वारा इसको निहार मुँह इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है, जब भी इसका अच्छा बेनिफिट मिल पाता है। वैसे तो दोस्तों, डॉक्टर इसको आपको मेडिसिन के साथ भी प्रिस्क्राइब करते हैं, जो भी आप मेडिसिन लेते हैं उनके साथ भी मिलाकर इस कैप्सूल को डॉक्टर के द्वारा दिया जाता है। दोस्तों, इस कैप्सूल के इस्तेमाल करने से कुछ कॉमन से साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। आपके सिर दर्द हो सकता है, आपके दस्त हो सकते हैं, आपके बेचैनी हो सकती है, ये इसके कॉमन से साइड इफ़ेक्ट हैं जो कि इसकी ओवरडोज इस्तेमाल करने से किसी किसी पेशेंट में देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, यदि आप इस पेंटाप्रोजोल और डोम्पोरिडोम कैप्सूल का इस्तेमाल करते हैं तो अपने डॉक्टर के एडवाइस पर ही इस्तेमाल करें, खुद से इस कैप्सूल का बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। दोस्तों, दवाई से जुड़ी छोटी मगर महत्वपूर्ण जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारी आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।